नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वर्कआउट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे हमारे लेग को ट्रेन, और दोस्तों जानेंगे कि लेग को हम किस तरीके से अपने घर पर ही आसानी से ट्रेन कर सकते हैं और अच्छी लेग को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो साइड में कि मेरे लेग पहले कुछ इस तरीके से थे, और इसके बाद दोस्तों मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और इस लेवल पर मैं पहुंच गया हूं। और दोस्तों आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म जरूर करें, और हम सब मिलकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो के, दोस्तों इससे पहले हमारे दो पार्ट और हैं, जो कि दोस्तों एक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है, जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि हम पूरे हफ्ते में अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और हफ्ते में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज किस रोज करनी चाहिए, वो सब दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में दो वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। फिर दोस्तों आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है स्क्वाट, जो कि दोस्तों हम बॉडी वेट से ही करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम वेट से करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए कि किस तरीके से हम स्क्वाट को करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि अपने पैरों को किस पोजीशन में रखें। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने पैरों को थोड़ा सा दूर जाके अपने पंजों को थोड़ा सा बाहर निकालें, जो कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरे पंजे थोड़े बाहर हैं, और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें दोस्तों कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो दोस्तों ये पैर है बाहर की ओर जाना चाहिए। आप जैसे ही दोस्तों नीचे जाते हो तो कुछ इस तरीके से देखिए आपका पैर बाहर जाए, ये नहीं कि आप अंदर लेके ऐसे आओ, अंदर लेके ना आए, ये दोस्तों गलत फॉर्म है। अपने पैर को बाहर की ओर लेके जाए दोस्तों। आप एक बार फिर देखिए, और दोस्तों अपने घुटनों को अपने पंजों से बाहर लेके ना आए कुछ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप अपने हाथ को थोड़ा आगे की ओर लेके आएं, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से इसको परफॉर्म करें। चलिए दोस्तों ये हुई हमारी स्क्वाट, जो कि बॉडी वेट से थी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसके 3 से 4 सेट कर सकते हो और 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है दोस्तों सोमो स्क्वाट। तो देखिए दोस्तों ऐसे हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों मैं अपने 20 किलो के बैंड को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों अपने डंबल वगैरह को यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप जितने वेट से सही तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, उतना ही वेट लेके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। तो दोस्तों इसकी पोजीशन आपको जो इस तरह से देखिए कि अपने पैरों को आप इतना चौड़ा करें, और अपने पंजों को दोस्तों बिल्कुल सीधा लेके जाएं, सीधा रखें, जैसा कि आप मेरे पैर देख सकते हो और आप आपके स्क्रीन के साइड में भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे परफॉर्म करें। और दोस्तों ध्यान रखें, हर एक एक्सरसाइज को कंट्रोल में करें, आराम से करें और स्लो करें। तो दोस्तों देखा आपने कि सोमो स्क्वाट, जो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप भी इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। दोस्तों जो भी एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सारी एक्सरसाइज दोस्तों मैं खुद अपने घर पर करता हूँ अपने लेग के लिए। तो दोस्तों आप भी इन एक्सरसाइज को अपने घर पर आसानी से कर सकते हो। मेरे पास कोई ज़्यादा इक्विपमेंट, कोई जिम वगैरह और दोस्तों कोई मशीन वगैरह नहीं है, जिससे कि दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से अपने लेग को ट्रांसफॉर्म किया, जो कि आप साइड में अपनी वीडियो में इस इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों आप भी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप भी दोस्तों अपने लेग को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे मेरी तरह। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।
तो दोस्तों अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसका नाम है दोस्तों लंग्स, जो कि दोस्तों हम दो डंबल की जरूरत हमें इस एक्सरसाइज में पड़ेगी। तो दोस्तों मैं जैसा आपको बताऊंगा तो आप उस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को करें, और दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप डंबल को चूज़ करें, ज़्यादा वेट के ना हो, जिससे दोस्तों आप गलत तरीके से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, जिससे दोस्तों आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप अपने वेट को उतना ही लें जितने वेट से आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों देखिए हम एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने सीमेंट के डंबल को यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसका वेट है 8 किलो, एक डंबल का वेट है 8 किलो। तो कुछ दोस्तों आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, देखिए। तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों सावधानी, और दोस्तों इस एक्सरसाइज को करेक्ट फॉर्म करने का सही तरीका क्या है, तो आप देखिए अपने पैर को जैसे ही दोस्तों आप आगे लेके जाते हो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो दोस्तों अपने घुटने को अपने पंजे से आगे लेके ना जाएं, कि जैसा कि ये आप इतना ही रखें, बिल्कुल सीधा रखें, अपने पंजे से आगे आपका घुटना ना जाए। तो एक तो दोस्तों ये हुई, और दूसरा दोस्तों अगर आपसे अभी ये लंजेस नहीं होती तो आप अपने पीछे वाले पैर को थोड़ा सा इस साइड बाहर की ओर लेके जाएं, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा और आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। और हाँ दोस्तों इस एक्सरसाइज के बारे में आपको एक और बात बता दूँ कि आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा है, आप अगर इस एक्सरसाइज को लगभग 20 से 30 फीट का आपके पास स्पेस है तो आप इसको चलते हुए भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसा कि आप साइड में इस वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपके पास दोस्तों उतना स्पेस नहीं है तो जैसा ही दोस्तों मैंने आपको बताया आप उस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। तो उन्होंने ये एक्सरसाइज दोस्तों हमारे लेग के इस पार्ट को ट्रेन करती हैं, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये आई होप आपको सही दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब उसे देखिए दोस्तों कि उसे हम किस तरीके से परफॉर्म करें। दोस्तों आप जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है दोस्तों स्प्लिट स्क्वाट। दोस्तों हर एक एक्सरसाइज के अलग अलग नाम होते हैं, और दोस्तों कई एक्सरसाइज तो ऐसी भी हैं जिनके दोस्तों एक ही एक्सरसाइज के 3 से 4 नाम भी हैं, लेकिन दोस्तों वो एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से उनके नाम चेंज हो जाते हैं कि अगर दोस्तों आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें, आप देश में देखें, तो वहाँ दोस्तों उन एक्सरसाइज को अलग नाम से जाना जाता है, और हमारे देश में आकर दोस्तों उन एक्सरसाइज को अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से उनके नाम ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप कन्फ्यूज ना हो, मैं अगर आपको किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं भी बता पाया वीडियो में तो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो, मैं उस एक्सरसाइज को मेंशन जरूर करूंगा। और दोस्तों आपको हर एक एक्सरसाइज के बारे में अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर पूरा शो होगा कि आपको कितने सेट कितने रेपिटेशन करने हैं, तो आप वहाँ से स्क्रीन शॉट लें और उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की ओर, और दोस्तों देखिए कि इस एक्सरसाइज को आप किस तरीके से परफॉर्म करें। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमें एक स्टूल की जरूरत होगी, तो आप देखिएगा, तो आप भी एक स्टूल को लें और दो डंबल को लें। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने डंबल को चूज़ करें कि आप कितने बेर से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो सही तरीके से। तो दोस्तों मैं मेरे 8 किलो के डंबल से काफ़ी कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं अपने 8 kg के डंबल से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करें। आप अपने पिछले पैर को, एक पैर को अपने दोस्तों अपने स्टूल या अपनी बेंच पर रखें। मेरे पास दोस्तों बेंच है तो मैं इस बेंच का उपयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करें। अच्छा, इस एक्सरसाइज में दोस्तों आप ध्यान रखें कि अपने जो पंजा है उससे आपका घुटना आगे ना जाए, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों हम दूसरे पैर का भी एक्सरसाइज करते हैं। बस दोस्तों ध्यान यही रखें, जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में और हर एक एक्सरसाइज के आगे या पीछे बोलता जरूर हूँ कि आप अपने डंबल को अपने वेट को उतना ही लें जिससे आप दोस्तों सही तरीके से सही ढंग से एक्सरसाइज कर पाएँ, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। दोस्तों आप जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है दोस्तों गोबलेट स्क्वाट। तो देखिए दोस्तों हम इसे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक डंबल होना जरूरी है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करें।
सबसे पहले दोस्तों हमें एक प्लेट की जरूरत होगी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, जिससे दोस्तों हम अपने पैरों को इस पे रखेंगे पीछे की ओर से, अपनी एड़ियों को दोस्तों हम ऊंचा करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरी एड़ियाँ दोस्तों मैंने प्लेट के ऊपर रखी हैं, पंजों को नीचे। तो आप दोस्तों डंबल को आप कुछ इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। दोस्तों इस एक्सरसाइज में भी आप ध्यान रखें अपने घुटनों को दोस्तों आप अपने पंजों के आगे ना लेके जाएं, और दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप गलत तरीके से ना करें, कुछ इस तरीके से अपने पैरों को ना लेके जाएं, कुछ इस तरह से दोस्तों इस तरीके से ना करें, ये गलत फॉर्म है। आपको मैंने जैसे बताया आप उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। दोस्तों मैं जो भी एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी समझ नहीं आता, कोई भी एक्सरसाइज के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्तों डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पर दोस्तों मैं 100% आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम है दोस्तों आर के देसी फिटनेस, और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम शो हो रहा है, तो आप दोस्तों सर्च करके भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुँच सकते हो, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मेरे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। दोस्तों आप जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है दोस्तों स्क्वाट। तो देखिए दोस्तों इसे हम किस तरीके से करते हैं, और मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम स्क्वाट को अपनी बार से किस तरीके से करते हैं, तो एक बार देख लीजिए आप। इससे पहले दोस्तों हमें सबसे फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी दोस्तों इसी वीडियो में वो थी दोस्तों हमारे बॉडी वेट से, जो कि दोस्तों मैंने आपको करके दिखाई थी, उसका नाम ही दोस्तों स्क्वाट ही है। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे पैरों को देखिए कि आपको किस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अपने पैर को थोड़ा सा बाहर रखें और अपने पंजों को भी थोड़ा सा बाहर निकालें कुछ इस तरीके से, और अपनी दोस्तों नीचे जाते समय और ऊपर आते समय अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें कुछ इस तरीके से। दोस्तों इस एक्सरसाइज में भी आप ध्यान रखें आपके जो घुटने हैं आपके पंजों से आगे ना जाएं, और आपकी कमर को दोस्तों बिल्कुल सीधा रखें, और सीधा ही आप नीचे लेके जाएं और सीधा ही आप ऊपर आएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों आप जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसके लिए दोस्तों आपके पास एक कर्ल बार होना जरूरी है, जो कि दोस्तों लोग इसे जिगजैग रॉड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास एक रॉड हो और एक बेंच, दोस्तों इस पर आप कोई चटाई या अपने टॉवल को लगाएं अपने जो भी आपके पैरों को ना चुभे, और दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है लेग एक्सटेंशन। तो दोस्तों वैसे तो ये मशीन से होती है, लेकिन हम जुगाड़ से इसे यहीं पे अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज को कर सकते हैं एक देसी जुगाड़ से। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक कर्ल बार होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों एक और बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज के बारे में समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप मैसेज मुझे करें, मैं आपको 100% दोस्तों रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी क्वाड मसल, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे साइड में दिख रहा है, इस मसल की दोस्तों हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। अब दोस्तों हम करेंगे हमारी हैमस्ट्रिंग की, जो कि दोस्तों इसको कहते हैं, जो कि आप अपने मोबाइल पे भी अपनी साइड स्क्रीन में देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग दोस्तों इसे कहते हैं।
तो हमें दोस्तों इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एक या दो एक्सरसाइज होंगी दोस्तों, और बाकी दोस्तों इसकी भी हमारी मशीन से होती है, तो मशीन हमारे पास है नहीं है। तो दोस्तों जितनी हम अपने घर पर कर सकते हैं वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देखिए। दोस्तों सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम हैमस्ट्रिंग की करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपके पास दो डंबल होना जरूरी है। और देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। अपने डंबल को दोस्तों थोड़ा आगे की ओर रखें और बिल्कुल सीधा आप नीचे जाएं, कुछ इस तरीके से। आपके दोस्तों इसमें पैर नहीं मुड़ने चाहिए, आपके घुटने थोड़ा से मुड़ें और अपने दोस्तों कमर को बिल्कुल सीधा रखें, और दोस्तों आप कमर से ही अपने आप को मोड़ें कुछ इस तरीके से। इसमें दोस्तों आप अपने डंबल को अपने ज़मीन से टच कराने की कोशिश करें, बिल्कुल दोस्तों इसे आप डंबल को अपने पैरों के ऊपर ही लैंड कराएं, आप कहीं और इसे आगे या पीछे ना करें, आप सीधा पंजों के ऊपर लेके जाएं और सीधा ही ऊपर लेके जाएं कुछ इस तरीके से। अब इस एक्सरसाइज को दोस्तों हम एक बार से भी कर सकते हैं अपनी बार बल से, तो आप वो भी देखिए दोस्तों। दोस्तों बार को आप ध्यान रखें, आप ज़्यादा वाइड ज़्यादा दूर ना पकड़ें और ज़्यादा क्लोज भी ना पकड़ें कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप इसे भी दोस्तों अपने पैरों के पंजों के ऊपर ही लेके जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो दोनों तरीके से। और दोस्तों एक और इमेज आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों आपको एक डंबल की जरूरत पड़ेगी और एक बेंच की। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी हैमस्ट्रिंग की तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और दोस्तों आप तीन ही एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हमारे पास तो मशीन वगैरह नहीं है, तो इससे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें। और दोस्तों वैसे ज़्यादा भी होती हैं कुछ भी और बॉडी वेट्स होती हैं, लेकिन दोस्तों उनकी कोई ज़रूरी नहीं है, आप अभी इतनी करें। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कभी कि हैमस्ट्रिंग की और कितनी एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि दोस्तों हमारे लेग के तीसरे पार्ट को हम ट्रेन करेंगे, जिसे बोलते हैं दोस्तों काल। दोस्तों इसको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके लिए दोस्तों एक या दो तीन एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको एक ही किलम एक ही बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सिटिंग राइजेस, जो कि दोस्तों आप बैठ के करेंगे अपनी बेंच पे कुछ इस तरीके से, अपने पैरों के ऊपर दोस्तों एक बार को रखें। दोस्तों ये भी एक जुगाड़ है मेरे से, इसके लिए एक अलग से मशीन आती है, लेकिन दोस्तों हम अपनी बार से ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने पैर को दोस्तों किसी ऊँची जगह पर रखें और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल स्लो करें और नीचे आते समय और दोस्तों ऊपर आते समय अपने पैरों को थोड़ा सा रोकें और इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से आप परफॉर्म करें। और दोस्तों इसी मसल्स की एक और एक्सरसाइज है, जो कि दोस्तों वो मशीन से होती है, और दोस्तों हम जुगाड़ कर दें तो अपने कंधों पर दोस्तों इसी बार को रखकर आप कुछ इस तरीके से, जो कि आपके फोन में साइड में भी दिख रही है, इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों इसे बॉडी वेट से भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉडी वेट से आप कैसे करें। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आप बॉडी वेट के लिए अपने पंजों किसी ऊपरी जगह पर रखें, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो मैं किसी ऊँची जगह पर अपने पंजों को रख रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी को आप बैलेंस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसे करें, नहीं तो आप दोस्तों किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, कुछ बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा भी सहारा न लें, कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इसे परफॉर्म करें। इसे दोस्तों आप एक पैर से भी कर सकते हो, एक पैर को आप ऊपर रखें और कुछ एक तरीके एक पैर से करें। अगर दोस्तों आप इन एक्सरसाइज की अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने बॉडी वेट से इन एक्सरसाइज को करें, आप ज़्यादा वेट से ना करें, जिससे कि दोस्तों आपके हो सकता है लेग काफ़ी दर्द करें, तो आप अपनी बॉडी वेट से ही करें और कम एक्सरसाइज करें अभी।
और दोस्तों आप इन्हीं पंजों को जो कि मैंने आपको दिखाए, अपने पंजों को कुछ इस तरीके से अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हो, इस तरीके से आप अगर इन्हें रोटेट करेंगे तो दोस्तों हमारे इसमें भी तीन पार्ट होते हैं हमारे केल में, तो दोस्तों तीनों को हमें ट्रेन करना होता है। तो अलग अलग तरीके से दोस्तों आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरीके से इन्हें ट्रेन कर सकते हो। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप दोस्तों आपको सारी एक्सरसाइज के बारे में मैं सही से नॉलेज दे पाया हूँ। अगर आपको दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज के बारे में कोई समझ नहीं आया हो तो आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम शो हो रहा है, जिसका नाम है दोस्तों आरके देसी फिटनेस, जो कि दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको समझ नहीं आया हो। तो प्लीज़ यार दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों ऐसे ही हम किसी और नए वीडियो में किसी और बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हुए मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।